का पटवे बाजार का हाल दिखाते हैं हम आपके लिए, और चाय का भी दिन है और कोरोना का भी दिन है। इस टाइम कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो हम बाज़ार का आपको हाल दिखा रहे हैं, पटवे बाज़ार गंगा पुखड़ी का। दोस्तों ये पटना बाजार का हाल देख सकते हो यार, गंगा पुजली का पटना बाजार खुलेगा नहीं बाजार, मेला लग रहा है दोस्तों, मेला ये आका से इनका मेला लग रहा है, इनके कोई पालना नहीं हो रही है यहाँ पर। हेलो 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 दोस्तों, गंगा पुजली का पटना बाजार है ये, ऐसे बाजार बंद है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्वेश्चन देखो आप, बाजार क्या है, बाजार प्रेजेंट पूरा बंद है इस टाइम। आप बताओ ये प्रशासन को ये भीड़ को हटाना ठीक है, व्यापारियों को ना प्रशासन आना कैसा मांगता है, ये चप्पल जूता के लोग बिना दुकान खोले या कोई सुन हो रही है क्या करें, लेकिन मेटिंग बताओ क्या हालत है बाजार के देख सकते हो आप। गंगा पुजली का पटना बाजार है ये, भीड़ देखो भीड़ कितनी हुई है, हर व्यापारी को पर आना प्रशासन 500 रुपए की रसीद काटता है, 500 रुपए काटता है, 500 रुपए बाजार के अंदर कौन सी भीड़ भाड़ लगी हुई है, ग्राहक हमारी माँ भेड़ कर रहा है, ग्राहक हमसे लड़ने लग रहा है, ग्राहक हम कहते हैं ग्राहक हमारे माँ ग्राहक रसीद का मतलब ग्राहक हमें गंगा पुजली का पटना बाजार मेला लगता है, जैसे जिस तरह से कल्याणी का मेला भरा करता है वैसे दोस्तों मेला भर रहा है यहाँ पर, और दुकानें बंद है, दुकान बंदने के बाद भी उसकी ये भीड़ दुकान बंद होने के बाद में दोस्तों ये हाल है, सामान दे हम व्यापारी लोग और भीड़ कम रहे भैया, फिर पूरे को बंद कर दो, खराब हो खराब हो आगे कम देखो कितनी भीड़ है, देखो वहां अंदर जाके देखो, वीडियो ऐसे बना के
दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि चाय का दिन है दोस्तों। और ये भीड़ यहाँ पे, ये अंदर ही बंद कर दिए, अंदर ही बंद करके दे रहे हैं दोस्तों। काम गंगापुर सिटी का चौथ माता बाजार दोस्तों, गंगापुर सिटी का चौथ माता बाजार के हाल दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ कोई जागरूकता नहीं है पब्लिक में, कैसी दुकान खुली है काफी दोस्तों भीड़, यहाँ कंट्रोल नहीं है बाजार पर। अरे आगे चलो, आगे दोस्तों गंगापुर सिटी का प्रशासन के इतनी बार बार में समझाने के बाद भी कोई समझ में नहीं आ रही है। प्रशासन के इतने मेहनत करने का, प्रशासनिक अधिकारी बार बार में अपील करने के बाद भी दोस्तों और समझ में नहीं आ रही है। लोगों के भीड़ जमा किए हुए हैं। हमारे बात तो कर लियो प्रशासन के बार बार भी समझाने के बाद में समझ नहीं रहे लोग, और इस बीमारी को, कोरोना की बीमारी को जो भयानक स्थिति हो चुकी है दोस्तों, और इसको हल्के में ले रहे हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी बार बार समझा, इसके बाद भी मार्केट में समझ नहीं रहे लोग, और दुकान बंद होने के बावजूद भी दोस्तों काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हेलो, अभी बाद में बात करना लाइव शो दोस्तों, देख सकते हैं एक एक दुकान पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा, बार बार समझा इसके बाद भी लोगों ने दोस्तों शटर बंद करके अंदर आदमी को घुसा रखा है, और खुद बीमार पड़ने की बोल रहे हैं और दूसरों को बीमार पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भीड़ भी बेकाबू है। प्रशासन के बार बार समझाइश के बाद भी लोगों ने काफ़ी भीड़ कर रखी है, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी महामारी का रूप ले लिया है इस बीमारी ने, और इसको हल्के में ना लें। प्रशासन के बार बार
समझाइश के बावजूद भी अगर एक बार पॉजिटिव आ गए तो डॉक्टर सारे महंगे हो जाएंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। गंगापुर सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के बार बार भी समझाने के बाद में अपनी जान की जोखिम में डालकर डॉक्टर प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली लोगों के समझ में नहीं आ रही है कोरोना बीमारी को। ऐसा लगता है जैसे तो मेला लग रहा है यहाँ पर, लोगों को समझ नहीं पा रहे। आज मार्केट भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है। साय का टाइम भी है और भीड़ बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे लोग। अगर इसी तरह से रहा तो दोस्तों प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि गंगापुर सिटी में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर सफाई कर्मचारी अपनी जान की जोखिम में रहकर काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग काका के नहीं समझ नहीं रहे दोस्तों। अरे कल आया है यार, सबने भरा है बाजार में, भीड़ बेकाबू होती जा रही है।
और प्रशासन के बार बार भी समझाने के बाद में समझ नहीं रहे लोग। अगर इस तरह रहा क्योंकि गंगापुर जिले में काफ़ी मात्रा में पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं। चार का कपड़े वालों के लिए छूट दी गई है, ये शायद शादी वाले मारामारी करने पर सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उस पर काफ़ी भीड़, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जान की जोखिम में डालकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। Thank you.